हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। और दोस्तों, पता है आज है 13 सितंबर, और 13 सितंबर के जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आपको बताना है कि भाई इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 को भारत को टॉप 50 में कौन सा स्थान मिला है, ये आपको पूछा गया है। और आप सभी आसानी से आंसर करेंगे। देखिएगा, इसका तो आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और भी आपको इंडेक्सेज वगैरह पूछे जाते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपको पूछा जाता है कि फेसबुक इंक्लूसिव इंडेक्स में अपने इंडिया का रैंक कौन सा है, 47 है। आपको पूछा जाता है भाई कि आपका इज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने प्यारे इंडिया का रैंक कौन सा है, तो आप बोलोगे 63 है। आपको पूछा जाएगा हेनले पासपोर्ट में अपने इंडिया का रैंक कौन सा है, तो आप बोलोगे 84 है। आपको पूछा जाएगा भाई कि आपका इंटरनेट चलाने के मामले में अपने देश का स्थान कौन सा है, 129वां है 187 देशों में से, है ना। और इसी के साथ आपको क्या पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है भाई भुखमरी सूचकांक यानी कि हंगर इंडेक्स में अपने प्यारे इंडिया का स्थान 102 है। और इसी के साथ आपका जेंडर गैप में 112वां हो जाएगा, जेंडर इक्विलिटी में 95वां स्थान हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा आपका जो प्रसन्नता सूचकांक है उसमें 144 है, और आपका एक होता है विश्व शांति सूचकांक, इसमें अपने इंडिया का स्थान 141 है। और विश्व प्रेस फ्रीडम स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां है। और आपका जो हैप्पीनेस सर्वे है उसमें 14वां स्थान है, और हैप्पीनेस इंडेक्स तो 144वां है ही है। और इसी के साथ आपको और भी पूछे जाते हैं, जैसा कि भाई मैं आपको पूछ लूँ कि आपका फेसबुक निकले जो हो गया, टैलेंट रैंकिंग कितना है, 72 है। ओके, और इसी के साथ आपका वुमन सेफ्टी इंडेक्स में अपने पैर इंडिया का स्थान कौन सा है, 133वां है। और आपका और भी पूछा जाता है, जैसा कि आपका किड्स राइट्स रैंकिंग में अपने इंडिया का स्थान 117वां हो जाएगा, गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में आपका 10वां स्थान हो जाएगा, और 9वां स्थान है आपका किस में साथियों, अपने पैर इंडिया का, तो आप बोलोगे 9वां स्थान आपका किस में हो जाएगा, तो आप सभी बोल दोगे भाई कि क्लाइमेट चेंजिंग इंडेक्स में अपने प्यारे इंडिया का जो स्थान है वो आपका 9वां स्थान हो जाएगा साथियों, जो कि आप सभी प्यारे साथियों ने बताया है। ओके, हाँ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने बेहतरीन तरीके से रिप्लाई दिया है। अब क्वेश्चन ये है मेरे साथियों कि स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में जारी आपकी DPIIT रैंकिंग 2019 में भारत का कौन सा राज्य लगातार दूसरे स्थान पर आया, तो वो आपका गुजरात हो जाएगा। अब मैं इतना बताना चाहूंगा, देखिएगा केरल का जो लिंगानुपात है वो आपका 1084, लेकिन आपके किसके मामले में साथियों, आपके मतलब साक्षरता का मामले में नंबर वन राज्य है। और पंजाब का लिंगानुपात 895 हो जाएगा, गुजरात का आपका 919 हो जाएगा, और दिल्ली का आपका 868 लिंगानुपात हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है, और आपने बताया अभी। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हाल ही में किस संस्थान ने सब्जियों और फलों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है, तो वो आपका IPFT हो जाएगा। अब आप पूछोगे भाई ये IPFT होता क्या है, भाई हमें भी तो पता चले, तो भाई जो आपका IPFT होता है मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि वो एक प्रकार का क्या होता है, मतलब आपका कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी के संस्थान है, और कि जिसने सब्जियों और फलों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणु नाशक स्प्रे विकसित किया है। और ये स्प्रे आपका वानस्पतिक आधारित विषाणु और जीवाणुरोधी है, और यह सूक्ष्म जीवाणुओं और विषाणुओं द्वारा विभिन्न संक्रामक रोगों के नियंत्रण को प्रभावी उपाय हो सकता है, साथ ही आपने बताया, और सुपर वाला परफॉर्मेंस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन है, आपको बताना है मेरे साथियों कि श्री अमित शाह ने किस शहर में 222.17 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया, तो वो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद बोले तो गुजरात में है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या है, पुणे बोले तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का लिंगानुपात 929, दिल्ली का लिंगानुपात 868, दिल्ली पे विधानसभा की सीटें आपकी 70 हो जाएगी, लोकसभा की 7 हो जाएगी, राज्यसभा की 3 हो जाएगी, और मुंबई यानी कि महाराष्ट्र 929 आपको याद रखना है। पूछा जाता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपने अहमदाबाद किया, बड़ा अच्छा लगा सुन के। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि इनमें से किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया, तो वो आपका एप्पल हो जाएगा। और एप्पल की मैं बात करूँ तो देखिएगा एप्पल के CEO आपके कौन हो जाएंगे,
टिमको को देंगे साथियों, ये भी आपको पूछा जाता है और आप सभी ने बेहतरीन तरीके से रिप्लाई दिया है, ठीक है। हाँ जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भाई थीएम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बन गए, तो वो आपके ऑस्ट्रिया के हो जाएंगे। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, तो आप बोलोगे कि वियना आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो आप बोलोगे कैनबरा है। अच्छा, और कहाँ पे है आपकी मुरे डार्लिंग नदी, जिसकी लंबाई 3720 किलोमीटर है, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है मेरे साथियों। और इसी के साथ मैं आपको पूछूं नदी की मैंने बात कर ली, तो आपका कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी है सबसे बड़ी, तो आप बोलोगे अफ्रीका महाद्वीप में पहली बात तो सबसे ज्यादा देश है, 54 देश है, सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ना नील नदी है। कितनी लंबाई है, आप बोलोगे 6650 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, अफ्रीका से मेरे साथियों। और अफ्रीका से और क्या लिया गया है, तो आप बोलोगे आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसको आर्टिकल 368 में रखते हैं, संविधान के पार्ट 20 में रखते हैं। और इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर किया है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मेरे साथियों। अब आपके सामने इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि भाई पॉपुलर सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया, तो वो आपका 35 साल हो जाएगा, आपको याद रखना है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाने वाला। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने बेहतरीन तरीके से आंसर किया है, बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस है मेरे सभी प्यारे साथियों का, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन बड़ा प्यारा आपके सामने है कि भाई भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन हाल ही में है ना, एक मिनट साथियों, एक मिनट। हाँ, तो चलिए देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि कोवैक्सीन हाल ही में किस पर सफल परीक्षण किया है साथियों, तो वो आपका जानवर हो जाएगा। और इसी के साथ देखिएगा, मैं जानवरों के साथ और चीज आपको बताना चाहूंगा, भाई पूछा जाता है इसलिए बताना भी आवश्यक है। देखिएगा, भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन हाल ही में जानवरों पर सफल परीक्षण किया है, और परीक्षण में कोवैक्सीन गैर मानव स्तनपायी प्राणियों में सर्वोच्च श्रेणी के जीव बंदर चमगादड़ आदि पर अध्ययन के नतीजन से वैक्सीन की प्रतिरक्षा क्षमता का पता चलता है। और इस वैक्सीन में बंदरों में वायरस के एंटीबायोटिक विकसित किया है, यह आपने बताया है, बहुत ही बेहतरीन। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, आपको बताना है, यह आप सभी ने बताया है, बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस मेरे सभी प्यारे साथियों का, ठीक है। हाँ, तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये है भाई, आपको क्या बताना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए किस देश ने शांति समझौते की घोषणा करी, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बहरीन हो जाएगा। और इनको शांति का नोबल अवार्ड भी दिया जाएगा 2021 का। अब वैसे देखेगा आपके किसकी बात करी गई है साथियों, आपके शांति के पुरस्कार की बात करी गई है ना, तो मैं आपको जितने भी शांति के पुरस्कार है वो सारे बता दूंगा, तो आपका गलत नहीं होगा। अब देखेगा आपके इससे पहले किसको मिला था, तो आप बोलोगे इथियोपिया के पीएम थे आपके कौन, अबी अहमद अली, अभी अहमद अली को मिला था साथियों, याद रखना है, कहा के थे इथियोपिया के, याद रखना है। लेकिन मैं आपको इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जैसा कि इस साल आपका किस में साथियों, आपका इकोनॉमिक्स में नोबल अवार्ड किन किन प्यारे साथियों को दिया गया, तो आप क्या बताओगे उस जगह, तो आप बोलोगे अभिजीत बनर्जी, और आपके एस्टर डुफ्लो, माइकल क्रेमर। साहित्य में किसको मिला, पीटर हैंडके को मिला है, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। और रसायन में जॉन बी गुडेनफ हो गया, स्टेनली वाइंगटम हो गया, आकिरो हो गया, इनको तीन जनों को रसायन में मिला था। और आप पूछोगे भौतिकी में बताओ, तो जेम्स पाबेल हो गया, मिशेल मेयर हो गया, डीडीएर कोवेलोज हो गया। और चिकित्सा में किस किस को, विलियम जी कुलियन जूनियर, और आपके ग्रेग सेमेंजा, और इसी के साथ पीटर जे रेडक्लिफ को आपका चिकित्सा के क्षेत्र में नोबल अवार्ड दिया गया, और आपको पूछा जाता है, और आपने बताया भी साथियों, और वाकई में सभी प्यारे साथियों का बेहतरीन परफॉर्मेंस है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, मुझे यकीन है कि आप सभी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ओके, तो भाई क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ के तो बता दो आपको कि निम्नलिखित में से किस देश का डिफिसिट इस बजट वर्ष के 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया साथियों। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, तो देखिएगा मैं इतना बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा साथियों, अमेरिका, याद रखना है, सॉरी अमेरिका में लिख देता हूँ ग्रीन वाले से ना,
अमेरिकन है। और देखिएगा सबके बारे में बताऊंगा, ब्रिटेन आया है, ब्रिटेन को ढलते हुए सूर्य का देश कहते हैं, ब्रिटेन के राजधानी लंदन है, ब्रिटेन के साथ आपका कौन कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, तो आप बोलोगे आपका अजय वॉरियर हुआ है, कोंकण हुआ है, ब्रिटेन से हमें प्रधानमंत्री और इसी के साथ एकल नागरिकता जैसी कोई पोस्ट ली है, और सिंगापुर की मैं बात करूँ तो सिटमैक्स, सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, अमेरिका के साथ कौन कौन सा हुआ है, तो आप बोलोगे अमेरिका के साथ तो आपका कोपा हो गया, और आपका रेड फ्लैग हो गया, टाइगर ट्रंप हो गया, वज्र प्रहार हो गया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका एयूएस इंडेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको याद रखना है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और भाई देखिएगा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि वाकई वाकई में आपको सेशन दिल से अच्छा लगा हो, ओके प्यारा लगा हो, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और देखिएगा एक चीज और बताना चाहूंगा, ओके तो देखिएगा जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसी के साथ अब जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया नहीं किया है हमारा, तो ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन प्यारा लगा होगा, थैंक यू सो मच आप सभी को, और सभी को गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, और अब हम यूं ही मिलते रहेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, और टेक केयर साथियों, ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।